प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आचार्य रत्नेश और अपने इस चैनल आचार्य रत्नेश में आपका स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके उनकी मदद करें जो पाइप हीटर का कार्य सीखना चाहते हैं, जो पाइप हीटर का कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि आप जरूरतमंदों की मदद करेंगे तो ईश्वर आपका भी मदद करेगा। तो आइए, आज का हमारा चैप्टर है, हमारा पूरा कार्यक्रम है नॉर्थ के ऊपर, दिशा के ऊपर। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हम नॉर्थ को कैसे देखते हैं, दिशा को कैसे जानते हैं, इसी के ऊपर आज का पूरा कार्यक्रम है। तो आइए शुरू करते हैं नॉर्थ। दर्शकों, अगर आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग से काम करते हैं तो किसी भी ड्राइंग को आप उठाएंगे, किसी भी देश के किसी भी इंजीनियरिंग की ड्राइंग को आप उठाएंगे तो अधिकतर नॉर्थ आपका इधर दिया होता है, जैसा कि इस ड्राइंग में है। कहीं कहीं पे नॉर्थ इस कोने में भी दिया जाता है, कहीं कहीं पे इस कोने में भी दिया जाता है, कहीं कहीं पे इस कोने में दिया जाता है। अधिकतर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आपको नॉर्थ जो है इसी कोने में मिलेगा और इसका जो एरो दिया गया है, एरो बना करके जो यन लिखा गया है, अधिकतर इधर ही आपको मिलेगा। लेकिन कोई कोई ड्राइंग में यह नॉर्थ का जो एरो होता है ऐसे अपोजिट में दिया जाता है या किसी अन्य दिशा में दिया जाता है। जैसे कि हम दूसरे ड्राइंग में देखेंगे कि यहाँ पे जो दूसरी ड्राइंग रखी गई है यहाँ की, इसमें नॉर्थ इधर बना, नॉर्थ की दिशा इधर दिखाया गया है, जिससे इस ड्राइंग की पूरी दिशा ही चेंज हो गई है। अब इस ड्राइंग में जो ये पहले वाली ड्राइंग है जिसकी नॉर्थ इधर है, इस कोने में दिखाया हुआ, उसकी दिशा के हिसाब से ये पूरी लाइन अलग होगी और इसके नॉर्थ के हिसाब से पूरी लाइन अलग होगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी किसी ड्राइंग में नॉर्थ ये कोने में रहता है, ये कोने में भी रहता है, ये कोने में भी रहता है और ये कोने में भी रहता है। जैसा कि इसमें एक ड्राइंग और है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो नॉर्थ है, इसमें ये जो नॉर्थ दिया गया है ये इस कोने में है, हालांकि इस कोने में न होकर के, यहाँ पे न होकर के इस कोने में दिया गया है। तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि नॉर्थ किस कोने में दिया गया है, आपको बस ये जानना है कि नॉर्थ का एरो किधर बनाया गया है। एरो बना करके और उसको किधर दिखाया गया है और यन किधर लिखा हुआ है, यह इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अगर इसी ड्राइंग में यह नॉर्थ इधर को दे दिया जाए ऐसे बना करके और यन इधर लिखा जाए, तो इसका मतलब इस आइसोमेट्रिक की पूरी ड्राइंग की जो नॉर्थ होगी वो इस साइड को होगी। अगर यहीं पे जैसे दूसरे ड्राइंग में दिया गया था कि इसी कोने में नॉर्थ को इधर करके ऐसे एरो बना करके और यन इधर लिखा गया था, जिससे हम ये जान लेते हैं कि ड्राइंग का जो नॉर्थ है, जो इस आइसोमेट्रिक का नॉर्थ है वो इसको इधर दिखा रहा है, यानी कि लाइन जो है नॉर्थ साउथ इधर को जाएगी तो ईस्ट वेस्ट इधर को जाएगी। अच्छा, एक कॉमन सूत्र होता है कि अगर नॉर्थ जो है सामने की तरफ हो, अगर आप ऐसे करके बैठ जाएं, अपने घर के तरफ बैठ जाएं और उत्तर दिशा में अपना मुंह कर लें, तो दाहिने तरफ जो होगा वह पूरब पड़ेगा, बाएं हाथ की तरफ जो पड़ेगा वह पश्चिम पड़ेगा और पीठ के पीछे जो पड़ेगा वह दक्षिण पड़ेगा। तो इसी बेसिस के आधार पर हम लोग टम्पलेट को भी मोड़ते हैं, इसी बेसिस के आधार पर हम लाइन को भी देखते हैं कि कौन सी लाइन किधर जा रही है, आइसोमेट्रिक में कौन सी लाइन किधर को जा रही है। यह नॉर्थ जो है, यह नॉर्थ जो दिया गया है वो किधर भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ड्राइंग में लाइन चेंज हो जाएगी, उसकी दिशा चेंज हो जाएगी, लेकिन आपके देखने में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ड्राइंग जो दिखा रहा हूं आपको, जैसे इसका नॉर्थ, इसका नॉर्थ जो है इधर दिया गया है, ये जो यन बना करके यहाँ कोने में दिया गया है, तो ये इधर नॉर्थ है, यानी कि लाइन जो है हमारी ये इधर को जाएगी तो ये नॉर्थ साउथ को होगी। अगर इसके समानांतर जा रही है कोई लाइन तो नॉर्थ साउथ की होगी, अगर इसके दाहिने तरफ को जा रही है तो ईस्ट को होगी, बाएं तरफ को जा रही है तो वेस्ट को होगी, अगर पीछे की तरफ आ रही है, हमारी तरफ आ रही है, तो वह साउथ की तरफ होगी। तो ऐसे अब हम सिंपल सा उदाहरण
इसी पे मैं बताता हूँ दूसरी चीज को। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है ऐसे जा रही है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। अगर ये लाइन दाहिने तरफ मुड़ रही है तो यहां से ये लाइन ईस्ट को जा रही है यानी पूरब को जा रही है। अगर फिर ये लाइन आगे चलकर के नॉर्थ नॉर्थ की तरफ जाए जिधर एरो बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन नॉर्थ को जा रही है। फिर ये लाइन अगर यहां से बाएं हाथ की तरफ आ रही है तो इसका मतलब यहां से ये लाइन वेस्ट की तरफ आ रही है। तो ऐसे ही हम देखते हैं किसी भी नॉर्थ की किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग का जो नॉर्थ होता है ऐसे ही हम देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं दिशा की। दिशा कितने प्रकार की होती है? हालांकि हम सभी जानते हैं कि दिशा चार होती है, लेकिन आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जब हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग देखते हैं, जब हम पाइपिंग का काम करते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग देखते हैं, तो इसमें 12 दिशाएं हो जाती हैं। 12 दिशाएं होती हैं और जिसमें हम देख 12 दिशाएं होती है तभी हम पूरे व्यू को देख पाते हैं, इस पूरे लाइन के पूरे व्यू को हम देख पाते हैं, नहीं तो हम पूरी तरीके से इसको नहीं देख पाएंगे। जैसे अब 12 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं वो मैं बता रहा हूं। तो 12 दिशाओं में एक नॉर्थ नॉर्थ और साउथ, इधर नॉर्थ हो गया तो इधर साउथ मान लीजिए, इधर को ईस्ट हो गया, दाहिने हाथ की तरफ ये जा रहे तो ईस्ट हो गया, तो बाएं हाथ की तरफ ये वेस्ट हो जाएगा। ये चार दिशाएं ये हो गई। अब चार दिशाएं जो डिग्री में होती हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाए तो एक ये दिशा हो गई, ये दिशा हो गई, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा हो गई। दूसरी, अगर मान लीजिए कहीं लाइन चेंजिंग हो रही है तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जा रही है, कोई लाइन वेस्ट और साउथ के बीच में जा रही है और कोई लाइन साउथ और ईस्ट के बीच में जा रही है, तो ये जो कोने का होता है, जो लाइन चेंजिंग होती है, तो वो मिला करके 8 दिशाएं हो गई। जैसे चार दिशाएं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और उसके बीच की 4 दिशाएं, तो ये कुल मिलाकर के 8 दिशाएं हो गई। और एक दिशा ऊपर की तरफ, जैसे मान लीजिए यहां पे लाइन जो ऊपर की तरफ गई है तो यह ऊपर और दूसरी नीचे, तो ये 10 दिशाएं हो गई। अब दो दिशाएं और बचती हैं। अगर मान लीजिए जो लाइन ऑफसेट बनाती है, रोलिंग होती है, या वर्टिकल के बीच में जो रोल करती है लाइन, या वर्टिकल रोलिंग हो या हॉरिजॉन्टल रोलिंग हो, यानी कि यही लाइन, जैसे मान लीजिए यही लाइन जो है ईस्ट की तरफ जा रही है, लेकिन अगर ये थोड़ी ऊपर को उठ जाए, यहां से थोड़ी ऊपर को उठ जाए, तो ये जो दिशा बनेगी ईस्ट में अप की, इसकी एक दिशा होगी। अगर मान लीजिए यही लाइन, जैसे ये लाइन नॉर्थ में जा रही है, अगर डाउन हो जाए तो ये डाउन की जो दिशा होगी, नॉर्थ डाउन की जो दिशा होगी, तो वो दो दिशा मिलाकर के 12 दिशाएं होती हैं। जैसे कि फिर एक बार मैं काउंट करा देता हूं, चार दिशाएं मुख्य रूप से जो मोटा मोटी हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चार दिशाएं उसके बीच की जो हैं, 8 दिशाएं हो गई, और एक ऊपर की दिशा और एक नीचे की, जो अगर लाइन ऊपर या अप या डाउन में जाती है तो दो दिशाएं हम उसको भी मानते हैं, ये 10 दिशाएं हो गई। और ऊपर और नीचे अगर लाइन ऑफसेट बनाती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रोलिंग बनाती है, जो वर्टिकल रोलिंग बनाती है, तो वह दो दिशाएं होती हैं, या ऊपर की तरफ लाइन जाए या नीचे की तरफ जाए, अगर दोनों के बीच में जो जाती है तो वह जो है रोल करती है लाइन, जो ऑफसेट बनाती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उसको दो दिशाएं हम मान लेते हैं, टोटल 12 दिशाएं होती हैं। अब हम इन दिशाओं के आधार पे थोड़ा बहुत इस लाइन को जानेंगे कि ये लाइन किधर से किधर जा रही है। जैसे ये ड्राइंग है तो इसके अनुसार हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लाइन किधर से किधर को जा रही है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। तो जैसे इसका नॉर्थ अगर इधर है, ये नॉर्थ आपने देखा कि ये नॉर्थ इधर है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये लाइन ईस्ट की तरफ जा रही है। लेकिन अगर हम यहां से अगर देखें, यहां से अगर देखें, तो ये लाइन जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ रही है, यानी कि बाएं हाथ की तरफ बढ़ रही है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये आ रही है। लेकिन यहां से अगर हम ये आगे देखें, आगे बढ़ें, तो ये लाइन जो है
नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये पैरलर पैरलर दिखा रहा है, इसके एरो जिधर है उधर लाइन को जा रही है, तो ये हम कहते हैं कि ये लाइन नॉर्थ की तरफ जा रही है। फिर ये जो डाउन को हुई है, जैसे अगर इसके पैरलर है, जैसे ये बाउंड्री लाइन के ये लाइन पैरलर है, तो उसको हम ऊपर या नीचे मानते हैं, ये लाइन अप या डाउन मानते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह लाइन जो है, यह पूरा आइसोमेट्रिक की जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में जो लाइन दी गई है वह ईस्ट से वेस्ट की तरफ हुई, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ गई, नॉर्थ से फिर डाउन हो गई, डाउन से ये जो फ्लांच दिया हुआ है या फिर ईस्ट की तरफ घुमा हुआ है। तो ये ड्राइंग है और ऐसे ही हम इसको जानते हैं। दूसरी हमारे पास जो ड्राइंग है उससे थोड़ा सा हम और एक बार देखेंगे तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये लाइन कैसे कैसे जा रही है। जैसे कि हमने बताया कि इस ड्राइंग में नॉर्थ इधर को है, लेकिन अगर आप इस ड्राइंग को देखेंगे तो इसका जो नॉर्थ है यह इधर को गया हुआ है, ये साइड को गया हुआ है। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं। ये देखें, अगर यहां से लाइन को हम शुरू करेंगे, यहां से लाइन को शुरू करेंगे तो ये लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ आई हुई है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आई हुई है। अब साउथ के बाद ये इसके पैरलर ये लाइन दिखा रही है, आप इसको सीधा इसको देखें, इसके इसके समानांतर अगर ये दिखा रही है तो इसका मतलब ये लाइन डाउन हुई है। डाउन से ये लाइन फिर एरो की तरफ, ये एरो जिधर दिखा रहा है तो फिर एरो की तरफ देखेंगे तो इसका मतलब ये लाइन यहां से कुछ डाउन होने के बाद में फिर नॉर्थ की तरफ गई है। नॉर्थ के बाद से फिर ये लाइन डाउन को हुई है। फिर यहां से अगर देखें तो ये लाइन जो है ना, ये दाहिने हाथ की तरफ जा रही है, यानी कि इधर को जा रही है। अगर नॉर्थ इधर है तो ये लाइन जो है दाहिने हाथ की तरफ जा रही है, यानी कि ये लाइन फिर डाउन होकर के ईस्ट की तरफ आई हुई है। ईस्ट से फिर ये लाइन, आप इसके इसके पैरेलल लाइन है तो ये देख लेंगे कि ये फिर ये डाउन हो रही है। अगर यहां से हम इस लाइन को देखें, यहां से अगर यहां तक देखें तो इसका मतलब ये बाएं हाथ की तरफ जा रही है, यानी कि ये वेस्ट की तरफ लाइन जा रही है। फिर ये लाइन आप इसके इसके पैरेलल देखेंगे तो ये फिर ये डाउन की तरफ हुई है, और डाउन होने के बाद में फिर ये लाइन जो है दाहिने हाथ की तरफ घूमी हुई है, इसका मतलब ये लाइन जो है फिर ईस्ट में आकर के ये नोजल से कनेक्ट हो चुकी है। इसी प्रकार हम एक और ड्राइंग को लेते हैं जिससे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपने उन दो ड्राइंगों में देखा कि नॉर्थ उसका अलग अलग है, लेकिन ये तीसरी ड्राइंग की नॉर्थ जो है, उसकी नॉर्थ जो है यहाँ पे दी गई है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ दिखाया गया है ये कोने में, और एरो इधर किया गया है, तो हम इसी के आधार पे इस पूरे लाइन को देखते हैं कि लाइन हमारी किधर को गई है, नॉर्थ से साउथ से ईस्ट से वेस्ट से किस दिशा की तरफ गई हुई है। तो अगर हम इसको देखते हैं, शुरू करते हैं, तो जैसे यहां से ये लाइन है ये नॉर्थ के पैरेलल की तरफ गई है, तो यानी कि ये लाइन नॉर्थ यहां से साउथ से नॉर्थ की तरफ गई है, यानी कि उत्तर से सॉरी दक्षिण से उत्तर की तरफ गई हुई है। ये लाइन यहां नॉर्थ आ गई, नॉर्थ के बाद ये लाइन डाउन हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अगर पैरेलल है और इसके इस साइड के अगर पैरेलल दिखा रहा है लाइन, तो समझ लें कि आप ये डाउन में गई हुई है, यहां डाउन में गई हुई है। इसके बाद फिर ये लाइन जो है नॉर्थ, नॉर्थ हमारा ये कोने में जो नॉर्थ इधर को दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है जैसे कि यहां पे है, लेकिन इसके बाएं हाथ की तरफ जा रही है, तो यहां से ये लाइन जो है बाएं हाथ की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है ये वेस्ट की तरफ जा रही है। फिर ये लाइन इसके पैरेलल में गई है, ऐसे ऐसे इसके पैरेलल में गई है, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं यहां का ये इसके पैरेलल में आई हुई है, यानी कि ये लाइन अप को गई हुई है। तो ऐसे ही हम लाइन की दिशा को ज्ञात करते हैं कि हमारी लाइन किस से किस तरफ गई हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर करें और उसका सलूशन जरूर दिया जाएगा। और दूसरी चीज कि कल हम मिलते हैं रोलिंग इसके टेम्पलेट के विषय में, एक एक चीज को हम टेम्पलेट मोड़ के दिखाएंगे कि कौन सा टेम्पलेट किधर देखते हैं, कौन सी लाइन की टेम्पलेट किस तरीके से बनता है, यह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और दूसरों को बताएं, ताकि दूसरे लोग इससे सीख सकें।
आप जानते हैं अगर पाइप फिटर का कोर्स अगर आप कहीं भी सीखने जाएंगे, अगर फील्ड में काम करके ही सीखेंगे तो साल दो साल का समय लग जाएगा। अगर किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में या फिर कहीं रह करके सीखेंगे तो अलग से समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। यहाँ पे आप पूरी तरीके से सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, कमेंट में आप डालें, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो जरूर बताई जाएगी, और लोगों को शेयर करें। तो शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।